हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी जॉब होने वाली है वो मेड केयर हॉस्पिटल दुबई के ऊपर होने वाली है। इसमें बहुत सारी ओपनिंग है, मतलब बिग अनाउंसमेंट है ये हॉस्पिटलिटी की तरफ से। और इसमें बहुत सारे प्रोफाइल की ज़रूरत है, जैसे नर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, डाइटिशियंस की ज़रूरत है, और इसमें जो है लेबर कैटेगरी की भी जॉब है, मतलब लोअर से लेके हायर प्रोफाइल तक की जॉब है दोस्तों। इसमें एक एक करके डिटेल शेयर करूंगा, इसमें अप्लाई कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल जॉब फ्री है, मतलब आपको किसी को 1 रुपये नहीं देना है। इस प्रोफाइल में आपको 1 रुपये नहीं देने हैं किसी को। कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और लास्ट में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको मैंने बहुत सारे जो है वीडियो के लिंक दे रखे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल इस वीडियो में बताई गई प्रोफाइल से मैच नहीं करती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक हमने दे रखे हैं वीडियो के, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, और कोई जॉब पसंद आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारी जो जॉब है ये मेड केयर हॉस्पिटल दुबई के लिए है, और इसमें बहुत ही अच्छी ओपनिंग है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, एलाइड स्टाफ हैं, और एडमिन है, ऑपरेटर हैं, इन सभी की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मतलब किसी भी कंट्री से आकर अगर आप बिलोंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप नेपाली हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, डोंट वरी, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन जॉब लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑडियोलॉजिस्ट हैं, और लेबर एंड डिलीवरी रूम नर्सेज हैं, और डेंटल नर्स हैं, और डाइटिशियंस हैं। ये चार प्रोफाइल जो है मेनली हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, उसमें सारी कैटेगरी अलग अलग आ जाएंगी अगर आप चेकआउट करेंगे तो आप चाहें तो मैं एक लिंक दूंगा, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके लिए जो है रिक्वायर्ड वहाँ की डिग्री होगी, जो दुबई के लिए वहाँ का एक लाइसेंस है, DOH पब्लिक DHA एंड MOH लाइसेंस होना जरूरी है। रेस्ट ऑफ जॉब्स वुड बी ए फुलफिल्ड विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस, यानी आप जिस प्रोफाइल में काम करना चाह रहे हैं उस प्रोफाइल से रिलेवेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए, और उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्पिटल नेम तो मैंने बता दिया दोस्तों कि ये मिड केयर है, और जॉब लोकेशन UAE के, ऑल ओवर UAE में आपको कहीं भी काम लिया जा सकता है। नेशनलिटी आपको बात करें तो आप अपने हिसाब से जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वही आपकी नेशनलिटी आपको जो है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑल नेशनलिटी कह लीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन की बात करें तो इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस तो प्रोफेशनल होना चाहिए, जो मतलब आपका डेफिनेटली एक्सपीरियंस के बिना काम नहीं होने वाला, मतलब हॉस्पिटल लाइन में वैसे भी जब आप कोई डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा लेते हैं तो उसमें जो इंटर्नशिप कराया जाता है तो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस में गिना जाता है दोस्तों, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और जेंडर की बात करें दोस्तों तो इसमें आप मेल हो या फीमेल हो दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट में ज़्यादातर नर्सेज मिलेंगी तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी प्रोफाइल की जॉब अवेलेबल है। और सैलरी रेंज की बात करें दोस्तों तो इसमें 7,000 AED से लेके 50,000 AED तक हो सकती है, यानी आपके ये प्रोफाइल अगर इंडियन रुपीज़ में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 10 लाख तक हो सकती है, यानी 10 से ज़्यादा हो सकती है, एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ 10 लाख, तो ये प्रति मंथ हो सकता है। बेनिफिट की बात करें तो इसमें सभी जो बेनिफिट्स होंगे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे, इसमें कंपनी ने मेंशन कर रखा है। तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके जो है अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं, यानी एक हायर प्रोफाइल का जो है CV बनाइएगा, आप उस पर ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो CV भी होगी वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, आप वहाँ पर ड्रॉप करिए। आपका जो है जैसे ही CV शॉर्टलिस्ट होगा आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा या मेल आ जाएगा, आते ही आप फिर आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।